और अब हारिस, जैसे कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी, हारिस जाएंगे बैटिंग करने के लिए। 103 मैचेस, 85 इनिंग, 2150 रन, और हारिस T20 में 100 भी कर चुके हैं, 102 रन इनिंग के पास है, 30 का एवरेज है, अच्छा एवरेज है ये। अरे दो फील्डर बॉल के पीछे है और नहीं उठ पाएंगे, बॉल बाउंड्री से क्रॉस कर गया। ओ कैंपस खेल गया है, दो फील्डर बॉल के पीछे है, इससे फील्डर भी यहाँ पे पहुंचे थे लेकिन नाकाम रहे इस बाउंड्री को रोकने में। ओ पांच ओवर से खेल गया है और यकीन बॉल तेज है, बहुत आसान नहीं होगा, एक और बाउंड्री लगाने में कामयाब हुआ और इस बार इसका लेग एक और चौका फिनिश किया ये हुआ तीन चौकों के साथ। फयाज जी यहाँ पे रहेंगे, फयाज का ये बॉल जाएगा सीधा बाउंड्री से, मुझे लगता है कि बाहर, छक्का लगा दिया यहाँ पे हारिस ने, इससे बहुत दूर है यहाँ पे फील्डर और आसान नहीं, एक और छक्का बनाए हैं क्या? एक और मुझे लगता है कि बल्ले का बाहरी किनारे तेरे बॉल धक धक की जानिब है, बड़ी अच्छी फील्डिंग, आखिर लमाज से रोका तो यहाँ पे हाथ बनाए बात पे पहुंच गया। खूबसूरत शॉट टीप पे पर पॉइंट, इस बार भी बॉल जाएगी बाउंड्री से बाहर, एक और शानदार चौका। हारिस एक बार फिर बढ़िया फिनिश करने के लिए, बड़ी शानदार बैटिंग की आज हारिस ने, वर्ड शॉट वर्ड शॉट, इस बार एक्स्ट्रा कवर, खूबसूरत किरण बैटिंग लगाई बॉल, खूबसूरत छक्का लगाया। किरण अब सारी जिम्मेदारी हारिस पे है, जितने मैक्सिमम रन बन सकेंगे वो बनेंगे, तो सारी बॉल पे कवर के लिए दो रन बनाए हैं। प्लान यही था कि आखिरी बॉल पे सिंगल लिया जाए और कामयाब भी रहे, अर्थात इस बार बहुत ही शानदार शॉट है आज यहाँ पे, बहुत शानदार हारिस, बल्ले अभी बाकी।